किसान भाइयों राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग कुशल मंगलमय हो। मैं आपका छोटा भाई जावेद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज का ऑफर। हम इस समय है गल्ला मंडी सातनपुर फर्रुखाबाद। आज 24 जून 2023 दिन शनिवार, हफ्ते का आखिरी दिन है। और आज मैं आपको बताऊंगा मक्का और मूंगफली का भाव। पूरा अपडेट देखें, लास्ट तक देखें किसान साथियों। कल मैंने एक अपडेट डाला था गोल्ड का, यशोदा गोल्ड का, तो उस अपडेट को अगर आपने नहीं देखा है तो फिलहाल अवश्य देखें। यशोदा गोल्ड से किस भाव किस रेट बिक्री हुई है कि न्यू हॉलैंड और शुगर फ्री 37.97 और ख्याति पुगराज की। आप देख रहे हैं इधर कुछ मक्का उतर रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई मक्का है इधर, जो कि तौल हो रही है इस मक्का की। ना मैं मक्का थोड़ी है, इनकी है मक्का। ये इधर बैठे हैं, इधर इधर। अच्छा अच्छा, इधर किसान हमारे साथ इधर हैं। शुभ नाम बता देना अपना, नाम बता दो अपना। किशन पाल। किशन पाल जी, किस गांव से हो? किस गांव से हो? रामनगर कुरैया। रामनगर कुरैया से। तो आज मक्का ले आए? हाँ। क्या रेट बिकी आज? 1770 रुपये। कौन सी मक्का करी थी इस बार? डिकाल। डिकाल, तो डिकाल मक्का करी। क्या पानी में लगे इसमें? पानी में लगे छः पानी के। कितनी बैठी होगी एक बीघा में? कितने क्विंटल निकला होगा माल? अब एक बीघा की बात नहीं, तो 5 बीघा हमने जोड़ी 80 पैकेट लगभग। 5 बीघा में 80 पैकेट लगभग? लगभग मतलब 80 से 82 हो सकते हैं, एक दो पैकेट उधर ऊपर ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो मूंगफली नहीं करी इस बार? मूंगफली ऐसी बहुत होती है। अच्छा, तो आज लेके आए मूंगफली? मूंगफली आज लेके आए, मूंगफली पहले बेच गए। मूंगफली पहले बेच गए थे। और आज मक्का बिकी 1770 रुपये। आलू किस गोल्ड में डाला है इस बार? महावीर गोल्ड। महावीर में। तो कुछ बेचा अभी या अभी तक नहीं बेचा? बेचना है तो बाय दो बहा दिया। और रुका तू 70 रुपया पैकेट भाव में, 100 पैकेट में, 15 पैकेट कट भी कहूँ कछू है रो मिलिए तुम कहाँ बचे। और 35 रुपया भार दाना, 120 रुपया भाड़ा, कहाँ बचे बताओ। भाड़ा मक्का 270 रुपया भाड़ा नहीं कटे, कितनी बार दाना तो कटे, हमें कहाँ बचे। 270 में भाड़ा मतलब बचत के मिल जाते तो भी सही था, उसमें पैकेट का भी पैसा देना। 35 रुपया पैकेट का देना पड़ गया। दो आलू तो भाई आलू बहा दिया बिल्कुल, मतलब बहुत बिक रहा आलू, बहुत मतलब। तो कौन सा आलू है, ख्याति या बुगराज? ख्याति हो तो बुगराज हो। अच्छा, तो ये आलू ख्याति बुगराज। तो बेच दिया? हाँ कुछ बेच दो, कुछ कोल्ड में डरो हुआ है अभी। डरा हुआ है? अच्छा, ज़्यादा आप कहाँ से हो गए? बस साथ में ही है। साथ में ही हो? अच्छा अच्छा, इधर जो भी साथ में ही है। अच्छा, तीनों लोग साथ में ही हैं। तो मूंगफली नहीं लाया इस बार? है मूंगफली। अच्छा अच्छा, देखिए भाई इनकी बिका मका बिकी है 1770 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से। देखिए भाई हमारे प्यारे किसान जाते हो, ये मका यहाँ पे एक और तुल रही है, सिंगो मका है भाई। मैं आपको दिखाता हूँ दाना इसका। मका फिलहाल सूखी है और ये है सिंगो मका। इधर हमारे साथ किसान है जो कि ये लेके आए थे मक्का। इधर शुभ नाम बता देना अपना। किस गांव से हो आप? तीरथपुर से। तो आपने सिंगो मक्का करी इस बार? अच्छा, तो ये क्या भाव की आज ये आपकी मक्का? ये 17 रुपया 75 पैसा। 17 रुपया 75 पैसा यानी 1775 रुपये क्विंटल। क्या पानी में तैयार हुई है मक्का ये? इसमें हाँ, इसमें 7 पानी, पूरे 7 पानी। अच्छा, तो कितने बीघे में करी थी ये? ये 2.5 बीघा। 2.5 बीघा में कितना मानना है, कितना निकल आएगा मक्का 2.5 बीघा में? सामने दुल्ले ये पता लग जाएगा कितना निकला। सामने दुल्ले फिर भी अंदाजा कुछ होगा आपको? 6 क्विंटल कम से कम। 6 क्विंटल का एवरेज? हाँ कम से कम 1 बीघा में। अच्छा, पिछले साल कौन सी करी थी? पिछले साल तो डिकाल करी थी। डिकाल करी, बदल क्यों थी इस बार? इस बार बदल क्यों थी? डिकाल की डिकाल ही क्यों नहीं करी इस बार? नहीं इस बार डिकाल मिली नहीं। मिली नहीं, वरना करते डिकाल ही। अच्छा, तो क्या कौन सी सबसे बढ़िया रही आपके लिए, डिकाल बढ़िया है या सिंगो? अच्छी, इसमें चमक और बहुत अच्छा दाना निकला।
दाना अच्छा निकला और चमक भी है। अच्छा अच्छा, तो इस बार क्या आप सिंगो ही करते रहोगे या फिर डिकाल पे ही आओगे? नहीं नहीं, वो तो समय लगेगा, जिस हिसाब से हमें बीज मिलेगा। बीज मिलेगा जी, बीज पे अगर इस समय इस बार डिकाल का बीज नहीं मिला। हाँ हाँ, मतलब डिकाल से बेहतर लगी आपको? हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा, डिकाल से। आलू किस कोल्ड में डाला है इस बार? आलू कोल्ड में डाला है। किस कोल्ड में? अपने इधर है एमआर कोल्ड। एमआर गोल्ड में तो कुछ बेच लिया अभी तक या नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं बेचा अभी नहीं। तो जानकारी वगैरह ली, किस भाव बिक रहा, क्या है? जानकारी ली है। अच्छा, क्या इरादा है कब तक बेचने का? बस मक्का का समय, इसके बाद बेचेंगे। अच्छा अच्छा, मक्का का फुर्सत हो जाए तब बेचेगा। बिल्कुल फुर्सत हो जाए, बिल्कुल पहले निपटा जाए, फसल निपटाई जाए, नुकसान भी हो सकता है अगर इसको नहीं देखेंगे तो इसका नुकसान हो जाएगा। ठीक है भाई, धन्यवाद। देखिए भाई, हमारे प्यारे किसान साथियों, इनकी मक्का बिकी 1775 रुपये प्रति क्विंटल। किसान भाइयों, ये मिलते हैं सुबोध गंगवा जी से, ये है सुबोध ट्रेडिंग कंपनी, गंगवा ट्रेडिंग कंपनी। राम राम भैया। राम राम भैया। क्या बिक्री क्या है आज मक्का पे? आज मक्का हमने एक नंबर बेची है 90 रुपये। जी 75 रुपये, 30 रुपये, 30, 75 और 90। नहीं, हाई एज भाव है 90 रुपये तक, 1790। अच्छा, 1800 तक क्रॉस नहीं कर पाया क्या मक्का आज का भाव? क्रॉस होने वाली है, 1800 क्रॉस होने वाली है, मतलब आमदनी कम आ रही है इसलिए ये भाव बढ़ा है। इसी वजह से भाव बढ़ा है, ये बरसात जो 2-3 दिन हो गई इस वजह से माल कम आ रहा है मंडी के अंदर, उसी से भाव बढ़े। क्या लग रहा है अभी, कल तो छुट्टी रहेगी, सोमवार को कुछ आमदनी बढ़ेगी या अभी हो सकता है इसी भाव? अगर मौसम साफ रहेगा तो आमदनी बढ़ेगी। जी जी जी, अगर मौसम साफ नहीं रहेगा तो आमदनी नहीं बढ़ेगी। वैसे मक्का इस समय थोड़ी नम ज़्यादा आ रही है ना? गीली आ रही है, क्योंकि मौसम के हिसाब से मक्का गीली इस समय है। मूँगफली अभी बिकी है नहीं बिकी? मंडी बिकी है मूँगफली, ऊँचे में 66 रुपये में थी, 68 रुपये। अच्छा, नीचे में 52 रुपये, 58 रुपये, 60 रुपये, 52, 58, 60 और 67, 68 तक। नहीं, 7000 वो भी नहीं पहुँच पाएगी। अच्छा, कितनी आमदनी लग रही मूँगफली पे आज? 6-7 हज़ार कट्टे है, 6-7 हज़ार कट्टा। जिन किसान भाइयों के पास मूँगफली अभी है, वो यहाँ पे किस तरीके से मूँगफली लेके आए, अपना मूँगफली इस तरीके से लेके आए? जी बढ़िया रेट थे, 65, 66, 67 की के जी। अच्छा, कुछ किसान होते हैं मतलब कि गीली ही ले आते हैं ज़्यादातर, जल्दी 50-60 के बीच में बिकती है, समय के हिसाब से देख के वो ले आते हैं, मतलब हो सकता है व्यवस्था नहीं हो पाती सुखाने की तो वो गीली भी ले आते हैं। जी जी जी, तो कल मंडी फिलहाल बंद रहेगी? बंद रहती है। ठीक है, धन्यवाद सर जी। किसान भाई, इधर हमारे साथ कुछ किसान है, लेते हैं इनसे कुछ जानकारी आज। अपना नाम बता देना भैया अपना। राम किशोर जी। आप कहाँ से भैया? पकरिया से। पकरिया ना, पकरिया, पकरिया। हाँ हाँ, तो आज क्या लिया? मक्का लाए, मूँगफली? मूँगफली। क्या रेट बिकी तुम्हारी मूँगफली आज? 64 रुपये। अच्छा, कितना कितने पैकेट ले आज? 34 पैकेट। कई बीघा में निकले? 2 बीघा। तो आलू वगैरह किया इस बार? कोल्ड डाला आलू? नहीं डाला। अच्छा, कोल्ड में बिल्कुल नहीं डाला आलू? अरे अपने भरे का तो होता है, सब्जी भरे का, सब्जी भरे क्या वो तो है। अच्छा अच्छा, इधर भी ऊपर किसान भी हैं, इनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं। शुभ नाम बता दो अपना। नंद की जो नीचे आ जाओ थोड़ा सा, नीचे आ गया ना है। अरे आज तुम्हारा नाम ऊपर जय लिस्ट। कहाँ से हो, किस गांव से हो? जनैया सटैया से। क्या लिया है? मक्का लिया, मूंगफली? मूंगफली बिक गई? हाँ। क्या रेट बिकी? 66 रुपये। अच्छा, तो कितनी लाए थे आज मूँगफली? कितने पैकेट ले आए थे? 27 पैकेट। अच्छा, आलू वगैरह कोल्ड में डाला इस बार? हाँ। कौन से कोल्ड में? महावीर। महावीर में कुछ भाव वगैरह लिया वहाँ पे, किस रेट बिक रहा क्या है, कुछ जानकारी ली? अभी गए नहीं हो? फोन वोन आया कुछ बेचने के लिए, कुछ बेच लो आके, ये कुछ फोन आया हो गया वहाँ से या नहीं?
आलू है बच्चे बच्चे बच्चे। अच्छा 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 भैया आप कहाँ से हो? आप भी वहीं से? इनिक साथ में हो? नहीं हम अलग मकान आए थे। अच्छा आप मकान आए थे, क्या वो बिकी मका आज? 1770। कौन सी मका करी इस बार? डिकाल। डिकाल क्या पानी, क्या पानी लगे इस बार? चार पानी। अरे पाँच छः पानी तो लगते ही लगते हैं, लेकिन चार ही लगे इस बार, चार ही लगे हैं। तो कितने बीघे में कभी मक्का? चार बीघा में। पिछले साल भी डिकाल ही करी थी, इस बार भी डिकाल करी, मतलब हर साल डिकाल ही करते हैं। अच्छा ये मका तुल तुम्हारी को तुल नहीं है? अच्छा ये तुल गई, ये पैकेट लग चुके हैं इनके। 1770 बताया है? अच्छा ठीक है भाई, धन्यवाद। किसान भाइयों मैं दिखाता हूँ आपको, दो नंबर मूंगफली इधर लगे हुए हैं कट्टे, ये देखिए भाई मूंगफली इधर दो नंबर में है, थोड़ी नम है मूंगफली। इधर हमारे साथ किसान है, कुछ जानकारी लेते हैं। इधर इधर खड़े हो जाओ, इधर ट्रैक्टर तरफ। बस 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 बस, किस गांव से हो आप? चिमरुआ से। शुभ नाम बता देना अपना। संजू जी। तो आज मूंगफली ले आए? हाँ मूंगफली लाए। अच्छा मूंगफली थोड़ी नम है ना? नम है। तो आज क्या रेट बिकी आपकी मूंगफली आज? हमारी तो 62 रुपए दो नंबर में बिकी। 62 रुपए दो नंबर में। हाँ। और ऊपर में कुछ बिकी किसान भाई होगी? 65 लोग बिकी है, 66 तक बिकी। 65-66। अच्छा और इसके ऊपर भी कुछ बिकी आपके आपकी नजर में? हमारी जान नहीं भाई। अच्छा उस दिन आप मक्का लाए थे, जिस दिन मैं आपका वीडियो नहीं बना पाया था? नहीं मूंगफली थी। अच्छा मूंगफली ही थी। अच्छा इस बार कोल्ड वगैरह आलू वगैरह डाला है? डारो तो आए। किस कोल्ड में? हमारो तो वहाँ तिरुपति में भरो है। तिरुपति में? हाँ। तो कुछ बेच लिया या नहीं अभी? अभी नहीं बेचा। अभी नहीं बेचा। कब तक है बेचने गिरा था? अब बेचे मूंगफली से नीचे हुआ है, अब बेचे। अच्छा मूंगफली से नीचे हुई गए? हाँ। अच्छा मतलब फुर्सत हुई गई? हाँ फुर्सत हो गया। हाँ फुर्सत हो जाएगी तो किसान अपना जो है आलू की तरफ भी ध्यान देगा। अभी मूंगफली और मक्का में लगा है हमारा प्यारा किसान, तो उस वजह से जो है थोड़ा बिजी है किसान हमारा। बरसात की वजह से जो है। हाँ मूंगफली समेट ले, मक्का समेट ले, उसके बाद आलू पे ध्यान दें। मत दो बहुत बिक रहा हो आलू भैया, आप बहुत मत दो है किसान की जो है दाम सीधे ना हो रहे हैं। हाँ जो दाम लगाया है आलू के अंदर वो दाम सीधे ना हो रहे हैं हमारे किसान भाई। चाचा आप कहाँ से हो? अच्छा क्या ले आए थे? मूंगफली बिक गई? क्या भाव बिकी? 62। क्या दो नंबर में थी? दो नंबर में थी। ठीक है भाई धन्यवाद हमारे प्यारे किसान साथियों।